हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर और आज आप जो एंट्री करेंगे कुछ आगे की एंट्री करेंगे और यह आपका जनरल एंट्री में फोर्थ लेक्चर है और फोर्थ लेक्चर में कुछ आगे की इंपॉर्टेंट एंट्री हम करेंगे तो आज एंट्री नंबर करते हैं यहाँ पर फोर्टी नाइन अब फोर्टी नाइन नंबर एंट्री में क्या है कि रिसीव ट्वेंटी थाउजेंड फ्रॉम सुभाष विच व रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्स इन द प्रीवियस ईयर सबसे पहले आपको समझना होगा कि बैड डेप्स किसे कहते हैं तो बेड डेप्स इज़ द अमाउंट विच इज़ नॉट रिसीव एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव बेड डेट्स उसे कहते हैं जो पैसा ना तो हमें अब तक मिला है और ना ही जिसके मिलने के कोई चांसेस हैं उसे कहते हैं बैड डेप्स लेकिन कभी कभी वो पैसा हमें जो बैड डेट्स हो जाता है वो मिल जाता है आफ्टर वन ईयर आफ्टर टू ईयर जिसको हम बैड मान चुके होते हैं तो उसे बोलते हैं बैडर्ट्स रिकवर्ड तो एंट्री क्या होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैडर्ट्स रिकवर्ड क्योंकि पैसा हमारे पास आया और जब कैश हमारे पास आता है तो कैश आता है रियल अकाउंट में और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डट रिकवर्ड सेकेंड एंट्री है सैलरी ड्यू टू क्लर्क फिफ्टी कि क्लर्क को सैलरी पे करनी है पचास हजार और ये क्या Outstanding है आउट स्टैंडिंग है आउटस्टैंडिंग किसे कहते हैं कि जो सैलरी हमें अभी पे करनी है जो हमने पे नहीं की उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी तो एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी क्योंकि पे तो करना ही है तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसिज है और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी क्या होता Credit. Next है क्रेडिट नेक्स्ट है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर टेन थाउजेंड इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर हमने रेंट का पे किया उसमें से दस हजार रुपए नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थे इट मीन्स ये प्रीपेड रेंट है और प्रीपेड किसे कहते हैं जिस एक्सपेंसेस को हम एडवांस में पहले ही पे कर देते हैं उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस तो यहां पे होगा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट नेक्स्ट एंट्री है प्रोवाइड टेन परसेंट डेप्रीसन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग फिफ्टी थाउजेंड सबसे पहले आपको समझना होगा यहां पे डेप्रीसीन किसे कहते हैं डेसन कहते हैं किसी भी फिक्स एसेट्स के प्राइस में जो कमी आती है उसे डेप्रीसी कहते हैं और डेप्रीसी जो चार्ज होता है वो फिक्स एसेट्स पर चार्ज होता है जैसे बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर प्लांट इन पर डेप्रीसन चार्ज होता है अब फिक्स एसेट्स क्या होते हैं एसेट्स डेबिट होता है उस पर डेप्रीसन चार्ज हुआ इट मीन्स उसकी वैल्यू कम हो गई फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए मशीनरी पहले टू लैख की थी और एक साल बाद वो मशीनरी वन लाख एट्टी थाउजेंड की रह गई तो उसमें कितने रुपए कम हो गए बीस हजार रुपए तो वो बीस हजार रुपए डेप्रीसिएशन है और डेप्रीशियन की फिर एंट्री क्या बनती है डेप्रीशियन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर क्योंकि फर्नीचर एसेट्स है डेबिट होता है कम हो गया तो इसलिए क्रेडिट कर देंगे और डेबिट क्या होगा डेप्रीसिएशन क्योंकि डेप्रीशियशन हमारे लिए एक एक्सपेंसिस है और ये करेंगे आप डेप्रीशन फिफ्टी थाउजेंड का टेन परसेंट तो जो फिफ्टी थाउजेंड है टेन परसेंट मीन्स फाइव थाउजेंड रह आ गया नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट टेन लैख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको करना होगा टेन लैख का ट्वेल्व परसेंट जो आता है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड अब कैपिटल किसे कहते हैं प्रोपराइटर बिजनेस में जो मनी इन्वेस्ट करता है जो पैसे लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं और उस कैपिटल पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो इंटरेस्ट कौन देता है बिजनेस अब बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या है एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं डेबिट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल यानी कि वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड नेक्स्ट आता है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसे कहते हैं सबसे पहले तो यह कि ड्राइंग्स क्या होता है ड्राॅइंग्स होता है जब प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है उसे तो ड्राॅइंग्स बोलते हैं और उसमें आप क्या करेंगे <coughs> अब ड्राॅइंग्स क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो बिजनेस के लिए इनकम है और प्रोपराइटर के लिए एक्सपेंसिज है तो इसमें हम क्या करेंगे ड्राॅइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री आती है आपकी नेक्स्ट नंबर एंट्री कि परचेज गुड्स फॉर 140 इन ऑल आउट ऑफ विच हाफ द गुड्स वॉज सोल्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर सुधीर कि हमने एक लाख चालीस हजार का गुड्स परचेज किया उसमें से हाफ क्रेडिट है तो हाफ कैश हुआ तो क्या करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 140 फोर्टी हाफ कैश है हाफ उधार है तो यहां पे आपको क्या करना है परचेज को डेबिट किया गया क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में रूल क्या है डेबिट का कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो सो यहां पर डेबिट किया गया टू कैश क्योंकि हाफ क्रेडिट है तो हाफ कैश में होगा और क्रेडिट में गिवर कौन है सुधीर तो यह आपने कर दिया नेक्स्ट एंट्री आती है कि परचेज बिल्डिंग फॉर टू लैक एंड पेड टू परसेंट ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज ऑल्सो इनकर्ड ट्वेंटी फोर थाउजेंड ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन पेमेंट फॉर बिल्डिंग वॉज मेड बाय चेक एंड ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस वर पेड इन कैश कि हमने यहाँ पर बिल्डिंग खरीदी और वो बिल्डिंग है दो लाख रुपए की उस दो लाख पर दो परसेंट है आपका ब्रोकरेज तो दो लाख का दो परसेंट चार हजार रुपये ब्रोकरेज हो गई और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो आपका है वो चौबीस हजार है और जो आपने बिल्डिंग खरीदी है वो दो लाख रुपए की है तो टोटल कितने हो गए टोटल हो गए आपके टू लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड यानी बिल्डिंग आपको दो लाख अट्ठाईस हजार रुपये की पड़ी तो आप लिखेंगे यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट दो लाख अट्ठाईस हजार चेक दिया आपने दो लाख रुपये का तो टू बैंक दो लाख रुपये क्योंकि चेक है और टू कैश अकाउंट अट्ठाईस हजार ये चौबीस हजार और चार हजार तो चौबीस और चार कितने होते हैं अट्ठाईस हज़ार ये पेमेंट कैश में किया गया तो ये एंट्री बच्चों आपकी फिफ्टी सिक्स तक यहां पर हो गई है नेक्स्ट एंट्री 57 57 एंट्री में क्या है कि सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर टू लैख अरुण पे वन फोर्थ अमाउंट इन कैश दो लाख रुपए का वन फोर्थ पचास हजार होगा तो हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट पचास हजार क्योंकि वन फोर्थ कैश में है और बाकी जो रह गया यानी कि टू लैख माइनस पचास हजार एक लाख पचास हजार वो क्रेडिट में है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट फिफ्टी थाउजेंड अरुण डेबिट वन फिफ्टी टू सेल्स दो लाख रुपए इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है ए चेक ऑफ वन लाख फोर्टी एट थाउजेंड इज रिसीव फ्रॉम अरुण इन फुल सेटलमेंट फुल सेटलमेंट में अमाउंट मिल गया एंड द चेक इज इमीडिएटली डिपोजिट इन बैंक और उसे तुरंत बैंक में डिपोजिट करा दिया गया जब चेक मिलता तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट एक लाख अड़तालीस हजार अब लेने कितने थे लाख पचास हजार और ये फुल सेटलमेंट है इट मींस दो हजार का डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा तो हमारे लिए दो हजार का डिस्काउंट है वो एक्सपेंसेस है क्योंकि मिलने थे एक लाख पचास हजार और मिलते हैं एक लाख अड़तालीस हजार तो दो हजार रुपए का लॉस है जो कि डिस्काउंट है और उसे क्या करेंगे यहां पर डेबिट टू अरुण तो यह एंट्री कंप्लीट होती है यहां पर इसका नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स कि हिंदुस्तान टाइम्स में एडवर्टीजमेंट दिया या अगर हम किसी भी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं तो एडवर्टीजमेंट हमारे लिए एक्सपेंसिज है और ये नॉमिनल अकाउंट में आता है और नॉमिनल अकाउंट का रूल मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ऑल एंड आर डेबिट तो इसलिए एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश क्योंकि हमारे पास से कैश चला गया इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे आप एंट्री नंबर सिक्सटी रिसीव ए चेक फ्रॉम जे रिसीव रिसीवे चेक फ्रॉम रवि कि रवि से हमें चेक मिला 5450 अलाउड हेम डिस्काउंट 150 और एक रुपए का डिस्काउंट दिया गया चेक को तुरंत बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू तो रवि क्योंकि रवि से रुपए कितने मिलने थे 5600 और मिलते कितने हैं फोर फाइव तो वन का हो गया डिस्काउंट ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट लिखा है आपका परचेज मशीनरी फॉर फिफ्टी थाउजेंड चेक कि हमने मशीनरी खरीदी पचास हजार रुपये का चेक दिया एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड कैश में दिए इंस्टॉलेशन चार्जेस उसे कहते हैं मशीनरी को लाने ले जाने में जो भी खर्चा किया जाता है उसके लगाने में उसे कहते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस तो उसमें आप एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक क्योंकि पचास हज़ार रुपये का चेक दिया है और बाकी जो अमाउंट है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड वो हमने कैश में दिए इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है सिक्सटी टू यहां लिखा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम एक लाख फ्रॉम अजय एक लाख रुपए का गुड्स हमने अजय से खरीदा तो सबसे पहले एंट्री कर दो परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय एक लाख रुपए और वही गुड्स अजय ने सप्लाई कर दिया विजय को एक लाख बीस हजार का मीन्स उसने सेल कर दिया किसको सेल किया विजय को तो विजय डेबिट टू सेल अब विजय कौन है यहां पर रिसीवर और पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को हम क्या करते हैं डेबिट और सेल यहां क्रेडिट है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में जो भी इनकम होती है उन सबको क्रेडिट किया जाता है तो आपकी एंट्री कंप्लीट होती है सिक्सटी टू तक नेक्स्ट एंट्री करते हैं एंट्री नंबर सिक्सटी थ्री और सिक्सटी थ्री में लिखा हुआ है परचेज मशीनरी फॉर ट्वेंटी थाउजेंड एंड पेड टू हंड्रेड फोर एट्स कैरीज हमने मशीनरी खरीदी और उस पर दो सौ रुपये कैरीज के देने पड़े तो टोटल हो जाते हैं बीस हजार दो सौ यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बीस हजार दो सौ नेक्स्ट है रिसीव ए चेक ऑफ फोर एट फाइव जीरो फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ ऑफिस अकाउंट फाइव थाउजेंड चेक बॉज इमीडिएटली डिपोजिटेड टू बैंक मतलब अड़तालीस सौ पचास रुपए हमें फुल सेटलमेंट में रिसीव हुए और मिलने थे पांच हजार जिसको हमने तुरंत बैंक में डिपोजिट करा दिया तो एंट्री हो जाएगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू तो एक्स क्योंकि मिलने कितने रुपए थे आपको रुपए मिलने थे पांच हजार और मिले कितने 4850 तो डिस्काउंट कितने का हो गया 150 का यानी 150 हमारे लिए लॉस है तो इसलिए इसको किया जाएगा डेबिट नेक्स्ट एंट्री आती है इंपोर्टेंट एंट्री ध्यान देंगे इस पर रिसीव बाय चेक ए फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन ए फ्रॉम वाई वो ऑर्डर्स टेन हमें वाई से दस रुपये लेने थे और उससे मिले कितने सिक्सटी परसेंट छ हजार रुपये मिल गए और बाकी कितने रुपए नहीं मिले चार हजार रुपये हमें मिले नहीं छ हजार मिल गए चार हजार मिले नहीं तो जो छ हजार रुपए मिल गए उसे आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और जो नहीं मिला वो बैड डेप्स अकाउंट डेबिट टू वाई किससे आए रुपए हमें वाई से और वाई किसना आता है पर्सनल अकाउंट में और पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट का रूल क्या है क्रेडिट द गिवर नेक्स्ट एंट्री आती है गुड्स कॉस्टिंग बीस हज़ार सोल्ड टू मनोज एट ए प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंट ऑन कॉस्ट लेस टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट अब कॉस्टिंग है बच्चों यहाँ पे ट्वेंटी थाउजेंड, बीस हजार है प्रॉफिट है ट्वेंटी परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट होगा फोर थाउजेंड, बीस हज़ार का ट्वेंटी परसेंट चार हज़ार टोटल हो गए चौबीस हज़ार और इस जो टी डी है मीन्स ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट दिया है पर टेन परसेंट तो ये टेन परसेंट करेंगे इसका ट्वेंटी फोर हंड्रेड आएगा तो इक्कीस हजार छह सौ आप इसे कर देंगे यहां पर इक्कीस हजार सौ यानी मनोज डेबिट टू सेल क्योंकि हमने सेल किया किसको सेल किया मनोज को रिसीवर कौन है मनोज और पर्सनल अकाउंट में आता है इसलिए डेबिट द रिसीवर मीन्स मनोज डेबिट टू सेल्स और सेल आता है आपके नॉमिनल अकाउंट में इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है आपकी सिक्सटीन सेवन कि प्रोपराइटर विड्रो फॉर पर्सनल यूज कैश ट्वेंटी थाउजेंड एंड गुड्स दस हजार तो प्रोपराइटर ने विड्रो किया यानी ओनर ने विड्रो किया तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स क्योंकि प्रोपराइटर ने विड्रॉ किया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश कैश में कितना विड्रो किया बीस हजार गुड्स में कितना विड्रो किया दस हजार किस नाम से लिखेंगे परचेज के नेक्स्ट है गुड्स फोर फिफ्टी थाउजेंड वर गिवन अवे एज चैरिटी सेल प्राइस साठ हज़ार देखो पचास हजार का गुड्स हमने चैरिटी में दे दिया जबकि सेल प्राइस साठ हज़ार है तो सेल का तो कोई मतलब यहाँ रह नहीं जाता क्योंकि हम यहाँ चैरिटी कर रहे हैं सेल नहीं कर रहे तो जो कॉस्टिंग है वही प्राइस आएगा यानी कि पचास हजार तो आप लिखेंगे चैरिटी डेबिट टू परचेज चैरिटी में दिया चैरिटी एक्सपेंसिज है चैरिटी में दिया चैरिटी एक्सपेंसिज है और यह आपके नॉमिनल अकाउंट में आता है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो शो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज इसके बाद नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल हमने फ्री सैंपल में पच्चीस हजार रुपए का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मीन हमने एडवर्टीजमेंट कर दिया तो उसमें करेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज परचेज क्यों आया क्योंकि गुड्स दिया है हमने तो इसलिए परचेज आया नेक्स्ट एंट्री इंपॉर्टेंट एंट्री है सेवेंटी नंबर कि गुड्स वर्थ द फिफ्टी थाउजेंड एंड कैश ट्वेंटी थाउजेंड वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई मतलब एक एम्प्लॉय ने चुरा ली तो ये क्या होता है लॉस बाय थेफ्ट चोरी कर ली तो चोरी करने की एंट्री होती है लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेज पचास हजार रुपये यानी गुड्स पचास हजार रुपये का उसने चोरी किया है और टू कैश बीस हजार रुपये तो ये एंट्री आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है सभी स्टूडेंट्स से मेरा ये कहना है कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक यू